स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। You see the guy? स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में और आज हम जाने वाले हैं बस्ती मेला घूमने और यहाँ आपको बताएंगे कि बस्ती में दुर्गा पूजा को कितने धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। और साथ ही साथ आप जो पीछे का बैकग्राउंड देख रहे हैं मैंने ही बनाया है खुद अपने ही कैमरे से, वहाँ का ही बस्ती का ही है वीडियो, तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको हमने क्या किया। रूम से निकलते ही सबसे पहला पांडाल आप देख सकते हैं, माता रानी की कितनी प्यारी मूर्ति लगी हुई है। और बस्ती में बहुत सारी माता जी की मूर्तियां रखी गई हैं तो हम बारी बारी एक एक करके देखेंगे। ये देखिए, ये पांडे बाजार मतलब फाटक, रेलवे फाटक के पहले का ही है और ये है रेलवे फाटक के पास का। बहुत ही अच्छा डेकोरेशन किया गया है यहाँ पर। और इसके आगे हम लोग जाएँगे तो रेलवे क्रॉसिंग हम लोग को क्रॉस करना पड़ेगा, उसके पास में स्टेशन होने के कारण यहाँ हमेशा इतना भीड़ होता है भाई, हमेशा इतना ही भीड़ होता है आप देख सकते हैं। जैसा और जिसके लिए हम लोग आए थे गुफा देखने के लिए सुरती हट्टा में जो बना है, हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं क्या मतलब गेट बना है, क्या लग रहा है। और इसके अंदर चलिए चलते हैं। ओ भाई भाई भाई, आप देख रहे होंगे कितना प्यारा लग रहा है। देखिए मैं कुछ अलग ट्राई कर रहा हूँ, वो भी कितना सही लग रहा है भाई। ऐसा लग रहा है मतलब क्या है यार, कहीं आ गए हम, क्या लग रहा है एकदम मस्त भाई। तो अभी यहाँ जाने के लिए हमने सुना है शायद टिकट लगता है, तो गुफा में जाने के लिए हम लोग को सबसे पहले टिकट कटाना पड़ेगा। और फ्रेंड सब ने देखिए प्रवेश टोकन मतलब टिकट कटा रहे हैं और मुझे तो बस मन कर रहा है कितना वीडियो बना लूँ इसको देखकर, कितना सुंदर लग रहा। तो फाइनली गाइस मेरे हाथ में टिकट आ चुका है और हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ बहुत भीड़ रहता है, अभी तो हम लोग पहले आ गए हैं तो अब भीड़ कम लग रहा है आपको, बट बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। देखिए मैं तो वहाँ बोल नहीं रहा था, वॉइस ओवर है सब। और देखिए यही गेट है उसका मेन। और ओ भाई भाई भाई, हालत ख़राब हो गया था भाई, लाइन अभी देखकर हालत ख़राब हो गया था। अभी देखो कितना पीछे जाना पड़ता है इतना बड़ा लाइन भाई, इतना तो राशन लाने में नहीं लगता है लाइट। और देखिए अभी हम लोग को लाइन में लग चुके हैं और वहीं से वीडियो बना रहे हैं, वेट कर रहे हैं कब हम लोग का चांस आएगा। तो फ्रेंड्स फाइनली बहुत ही मेहनत करने के बाद, लंबी लाइन लगाने के बाद हम लोग गुफा में जा रहे हैं। ओ भाई साहब, ये देखो क्या आप कितना मेहनत किए हैं सब भाई बनाने में इसको। ओ भाई भाई, और ओ भाई साहब ये देखिए क्या लग रहा है, पानी का तो पूरा खेल खेल दिए भाई, झरना ही झरना बना दिए सब। ओ भाई भाई, और हनुमान जी का आप देख सकते हैं मूर्ति, जय हनुमान जी। और क्या लग रहा है, बहुत ही मतलब जिस हिसाब से टिकट है 25 रुपया, उस हिसाब से काफ़ी मेहनत किए हैं सब बंदे वहाँ के, जितने भी लोग मतलब बनाए हैं कार्यकर्ता जो भी हैं। और इतना मतलब पानी उनी इधर से लाइटिंग का जो काम है बहुत ही सुंदर लग रहा है, इसका काम जितना बड़ाई किया जाए उतना ही कम है। जय माता जी। और बस पानी का खेल और लाइट का खेल खेल दिए हैं सब भाई साहब। और यहाँ हम लोग जाएंगे, हम सुने थे कि बहुत पानी रहता है, तो फाइनली हम लोग देखिए वहाँ तक पहुँच गए हैं। बाण गंगा जो वैष्णो माता की गुफा में रहता है वही वाला एकदम सेम बनाया गया, और शायद यहाँ घुटने तक पानी आ जाता है, तो वही हम लोग देखिए जा रहे हैं। हम भी लोग चल रहे हैं और पैर थोड़ा मोड़ना पड़ेगा, पैर मतलब नहीं वो पैंट मोड़ना पड़ेगा, नहीं तो पूरा भीग जाएगा। तो देखिए कितना ऊपर जाता है, पहले मोड़ लेते हैं फिर जाते हैं अंदर। और भाई साहब, ओ भाई भाई भाई, सच बताएं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब पैंट भीग जा रहा है फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यार इतना सही लग रहा है ना, क्या बताएं हम। और देख सकते हैं पानी मतलब ऐसा लग रहा है कैसा रेड रेड हो गया, बट ये सब कलर का कमाल है, मतलब लाइट का लाइटिंग का कमाल है। और इसके बाद है शायद भूत वाला गुफा, तो चलिए वहाँ भी चलते हैं और शायद वो भी बहुत सही है।
और आप तो जान ही गए होंगे कि हम लोग कहाँ आ चुके हैं, देखने से ही पता लग रहा है कि क्या चीज़ है। ओ भाई भाई, अरे भाई साहब यार, लड़कों का ठीक है, लड़कियाँ इतना ज़्यादा डर जा रही थी, क्या बताएं हम आपको। ये भूत जो है, भूत जो है हम लोग को परेशान कर रहा था, देख सकते हो। और हम लोग डरने वाले तो हैं नहीं, एक को तो हम मारने वाले थे, और उसको मारने वाले नहीं थे, बट अभी देखिएगा, हाँ इसको बोले ना, इसको हम खुद डरा दिए, बेचारा बैठ गया चुपचाप। बोले हम तुमसे बड़े भूत हैं भाई, अरे इसको देखो, ओ भाई ये क्या कर रहा है। ये देखो, ये यार बहुत सही लग रहा था यार, ऐसा लग रहा रियल में कोई लड़की मतलब छोटी बच्ची उड़ रही है। भाई साहब बहुत मज़ा आया, भूत वाला सबसे सही है ही रहा। तो फाइनली हम लोग माता रानी वैष्णो माता के दरबार में आ चुके हैं, और अब हम दर्शन करेंगे, माता रानी से आशीर्वाद लेंगे और कुछ सिनेमेटिक शॉट भी लेंगे आप लोग के लिए। तो आप देख सकते हैं, और गुफा के बाहर हम लोग निकल चुके हैं जैसा कि आप देख रहे होंगे, और बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया, हमें पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा गर्मी होता है। और ये देखिए बगल में पंखा चल रहा था, तो भाई कूलर, तो इसका आनंद लेना ज़रूरी है। चलिए और पांडालों में चलते हैं, क्योंकि आप थक जाएंगे बट यहाँ के पांडाल नहीं थकने वाले, इतना ज़्यादा मूर्ति रखाता है यहाँ पर। और ये देखिए प्यारी माता रानी का क्या मूर्ति लग रहा था भाई हमें देखकर, इसलिए मैंने सोचा कि इसका वीडियो बनाना तो बहुत ही ज़रूरी है भाई। बहुत ही सुंदर मतलब सजावट किया गया था, श्री राम जी पीछे आप देख रहे होंगे। और ये देखिए, ये बहुत ही मतलब सही लग रहा था यहाँ पर, वानरों को मतलब चश्मा लगा के, और शंकर जी वहाँ, और भी मतलब माता रानी का देख सकते हैं आप कितना सही मतलब। और मतलब आगे भंडारा हो रहा है, आप देख रहे होंगे लाइन लगा हुआ है, बहुत से लोग मतलब नहीं खाते हैं, बट ये माता रानी का प्रसाद होता है जो अवश्य ही खाना चाहिए। मतलब मेरे दोस्त हैं सब, नहीं हम बड़े लोग हैं हम नहीं खाएंगे यार, बट माता रानी का प्रसाद कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और आपको मतलब यहाँ से देख के आपको कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कैसा आपको लग रहा है आप ज़रूर बताइए, मुझे जो लग रहा है मैं क्या बताऊं आप खुद। और चलिए कुछ टाइम लैप्स ट्राई किए हैं हमने, देखिए कैसा लग रहा है टाइम लैप्स आपको, और कमेंट में जरूर बताइएगा। और भाई यार क्या बताएं, ये सब खुद परेशान हो गए, इतना ज़्यादा भीड़ हो गया इस शहर में कि खुद बेचारे से वहाँ किनारे सोना पड़ रहा है, कहाँ जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। बहुत गेट का फ़ोटो वोटो लेने के बाद फाइनली हम लोग अब अंदर जा रहे हैं, अब अंदर अंदर जाने के बाद देखेंगे हम लोग कि मतलब मूर्ति जहाँ लगा है, यहाँ है मन्नत की देवी माँ, यहाँ रखाती हैं जो जिला अस्पताल के पास है। ये देखिए मैंने कुछ नया ट्राई किया है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या सही लग रहा है। और फाइनली ये देख सकते हैं आप लोग, मंदिर बना है, इतना सही मंदिर बना, और मतलब एंट्री वाला गेट है, हम लोग एग्जिट वाला से आए थे। और यहाँ कुछ जागरण हो रहा है दोस्तों, माँ भगवती का विशाल जागरण, कोई गायकार वायकार होंगे जो आए होंगे, हमें नहीं पता मतलब कौन है, तो ये भी सही मतलब। और देखिए भीमार्ट में हम लोग आ गए हैं, रोडवेज भीमार्ट, क्या सजाए हैं सब भीमार्ट को भाई, सही लग रहा है एकदम। और इतना ज़्यादा भीड़ है, अभी 10 बज रहा है भाई अब, बट इतना ज़्यादा। और हम हैं गांधीनगर, बस्ती का एक गांधीनगर सिटी है, और वहाँ आप देख रहे होंगे गरबा का कॉम्पिटिशन हो रहा है। और इस कंपटीशन में हर एज के लोग, यहाँ देखिए प्राइज रखा है, और इस कंपटीशन में हर एज के लोग पार्टिसिपेट किए हैं, देखकर बहुत अच्छा लगा। मतलब ये नहीं कि बस केवल छोटी बच्चियाँ हैं, बड़ी बच्चियाँ हैं यहाँ पर, मतलब मैरिज वाली लेडीज़ भी लोग हैं, तो बहुत।
आप अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे एक सपोर्टर हैं, और मैं आपको बता दूं कि इसका नेक्स्ट पार्ट अगले दिन आ जाएगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।